इन कन्वर्जेशन विद द मिस्टिक यानी देवदर्शी के साथ बातचीत। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री कंगना रनावत ने सदगुरु से शिव के मूल, उनकी उत्पत्ति के बारे में तथा मनुष्य के कामकाज पर किसी बाहरी शक्ति के असर के बारे में पूछा। आइए जानते हैं सदगुरु का इस बारे में क्या है उत्तर। कंगना का प्रश्न, कृष्ण, मोहम्मद, राम, क्राइस्ट, बुद्ध आदि सभी आत्मज्ञानी लोग जो इस धरती पर रहे हैं, उनके जन्म या मृत्यु के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, लेकिन जब शिव की बात आती है तो मैंने पढ़ा है कि वे स्वयंभू थे, अपने आप ही उत्पन्न हुए थे। ये भी माना जाता है कि वे दूसरे ग्रह के थे। फिर एक मान्यता ये भी है कि मनुष्य के विचार आदि सब कुछ बाहरी अंतरिक्ष से आते हैं, किसी बाहरी जीव की ओर से। तो क्या यह सच है कि हम किसी बाहरी जीव के द्वारा नियंत्रित हैं? सदगुरु कहते हैं, देखिए, जिन लोगों को मानवीय बुद्धि में कोई विश्वास नहीं है, वे ऊपर की ओर देखते हैं और आशा करते हैं कि बुद्धि कहीं बाहर से आएगी। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें दुर्भाग्यवश आज की पीढ़ी लगभग भूल गई है। जैसे कि योग में हम रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की धुरी। आज वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। हमारी संस्कृति में हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि यह ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहा है। ये कहना कि हमारी रीढ़ की हड्डी ब्रह्मांड की धुरी है, ऊपरी तौर पर मूर्खतापूर्ण लग सकता है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? आप सिर्फ अपने अनुभव से इस ब्रह्मांड को जानते हैं। अगर आप कुछ देख न सके या कोई अनुभूति न कर सके तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्रह्मांड भी कुछ है। सिर्फ अपने अनुभव के कारण आपको लगता है कि ब्रह्मांड है, और वह केंद्र जो इस अनुभव को आप में प्रसारित करता है वह आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी की नसें, नाड़ियां काट दी जाए तो ब्रह्मांड को तो भूल जाइए, आपको अपने शरीर की भी अनुभूति नहीं होगी। हम आपकी रीढ़ की हड्डी को ब्रह्मांड की धुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की अनुभूति करने की आपकी योग्यता आपकी रीढ़ की हड्डी में ही केंद्रित एवं स्थित है। इसी आधार पर हमने एक पूरी संभावना विकसित की जिसे मनुष्य न सिर्फ इन बातों पर विश्वास कर सके बल्कि उन्हें अपना जीवंत अनुभव भी बनाए। इसी से योग शब्द की उत्पत्ति हुई। जुड़ना, मिलन, समावेशीकरण इसलिए हो पाता है क्योंकि आप अपनी व्यक्तित्व की सभी सीमाएं मिटा देते हैं। हम एक दूसरे को गले लगाने या प्रेम करने के कारण समावेशी नहीं बनते। ये सभी चीजें बस कुछ समय तक ही चलती है। कल वे अगर ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। योग का अर्थ है अपने व्यक्तिगत स्वभाव की सभी सीमाओं को तोड़ देना, अपने शरीर की भी, जिसे आप अपने अस्तित्व की सीमाओं के रूप में अपनी पहचान बनाए बिना यहां बैठना सीख सके। आपके शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक संरचना की अपनी सीमाएं होती हैं। वे बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन कुछ आयाम ऐसे होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। जिसकी कोई सीमा न हो वह स्वाभाविक रूप से भौतिक नहीं हो सकता। तो हमारा ध्यान हमेशा उस आयाम की ओर रहा है जो अभौतिक है। इसीलिए शिव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि शिव का अर्थ है वह जो नहीं है, वह जो अभौतिक है। अब हम जिस योगी की बात कर रहे हैं, क्या वे एक मनुष्य है या वे कहीं और से आए हैं? ये एक लंबी कहानी है। आदि योगी पर एक पुस्तक है जिसमें इन सब बातों की चर्चा है, लेकिन मैं इसे यहां स्पष्ट करता हूं। हम जब शिव की बात करते हैं
तो उनके माता पिता की कोई बात नहीं होती, उनका कोई जन्मस्थान नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिन्हें उन्हें छोटा या बड़ा होता हुआ देखा हो। लोगों ने जब भी उन्हें देखा वे लगभग एक ही उम्र के दिखे, और हमें यह भी पता नहीं कि उनकी मृत्यु कहां हुई। वे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि उन दिनों में भी अगर कहीं पर उनकी मृत्यु हुई होती तो लोगों ने उनके लिए कोई मंदिर या स्मारक अवश्य बनाया होता, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं, यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वे यहां थे। क्या इसका अर्थ यह है कि हम मान ले कि वे कहीं और से आए थे? यह आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप दंत कथाओं किंवदंतियों पर गौर करें तो शिव को सामान्य रूप से यक्ष स्वरूप कहा गया है। यक्ष का अर्थ हमेशा से रहा है कि वे जीव या प्राणी जो मनुष्य नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, जंगलों में और अन्य क्षेत्रों में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस तरफ इशारा करती है, लेकिन ऐसा कोई विशेष स्पष्ट सबूत नहीं है जिससे हम कह सके कि वे कहीं और से आए थे। योगिक कथाओं में ऐसा अनुमान किया जाता है कि शिव या आदियोगी एक मनुष्य के रूप में रहे थे और इस जमीन पर लगभग 60,000 से 75,000 साल पहले चले फिरे थे, विचरण करते थे। मैंने जब पहली बार ऐसा कहा तो मेरे आसपास ज्यादा समझदार लोग थे, मेरी तरह सरल मति वाले नहीं थे, वे ज्यादा बुद्धिमान युवा लोग थे। तो उन्होंने कहा, सद्गुरु अगर आप 75,000 वर्ष कहेंगे तो लोग आप पर टूट पड़ेंगे। शिव इस जगत में थे, उसका पुरातत्वीय सबूत लगभग 12,600 वर्ष पुराना है, तो आप 12,600 या 13,000 या 14,000 ही कहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं 15,000 कहूंगा। वैसे अब तो इस बात के पुरातत्वीय सबूत मिल गए हैं कि लगभग 30,000 वर्षों पूर्व इस देश के कुछ इलाकों में मानव समाज विकसित था। मैं 15,000 से ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम में यह स्वीकार हो सकेगा। मैं अगर 75,000 कहूंगा तो वे प्रतिरोध करेंगे क्योंकि उनके अनुसार यह दुनिया बस 6,000 वर्ष पुरानी है। वे कहते हैं कि सृष्टि की रचना 6 दिनों में हुई और यह बस 6,000 साल पुरानी है। बहुत शताब्दियों तक वे यही कहते रहे, अब वे धीरे धीरे अपनी गलती सुधार रहे हैं क्योंकि विज्ञान कुछ और सिद्ध कर रहा है। आप देखेंगे अगले 50 सालों में आधुनिक विज्ञान ऐसी बहुत सी बातें कहेगा जो हम हजारों सालों से कहते आ रहे हैं। धन्यवाद।